गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस सुधांशु महंती। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो भाई लोग, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि अभी जो लिस्ट निकला है, ठीक है, वो तो प्रोविजनल है। मतलब यहाँ पे जितना निकला है सबका एडमिशन पक्का है या फिर नहीं है। देखो, ये जो भी निकला है ये मेरिट लिस्ट निकला है और ये प्रोविजनल लिस्ट निकला है। अगर आपका इन्फॉर्मेशन सही है, आप जो फॉर्म भरे थे, अगर आपका वो फॉर्म का इन्फॉर्मेशन सही है और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है अगर इन्फॉर्मेशन मैच कर रहा है और आपके पास सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स है एडमिशन कम काउंसलिंग के टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए, देन आपका एडमिशन पक्का है, ठीक है। अगर आपका कुछ भी इन्फॉर्मेशन गलत हो गया ना, तब आपका एडमिशन कैंसिल, और फिर आपका कोई भी इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रहा है आपका एडमिशन फॉर्म के साथ, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल। तो अभी जो सबसे बड़ा वाला क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग काउंसलिंग कम एडमिशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दें, तो डॉक्यूमेंट्स का एक लिस्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ जो कि रेवेन्शा ने खुद दिया है। इधर साफ लिखा गया है कि यूजी एडमिशन 2021 डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ओके, द फॉलोइंग सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन ऑरिजिनल एंड सेफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ द सेम आर रिक्वायर्ड। ठीक है, आधार कार्ड जो है इधर आप लोगों को दिखने के लिए मिल जाएगा, आधार कार्ड मैंडेटरी है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट पर जो है, प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म व्हिच वाज सबमिटेड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट। मतलब आप रेवेन्शा का जो फॉर्म फिलअप किए थे वो फॉर्म फिलअप का प्रिंट आउट, ठीक है, विथ ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट आर फिक्स्ड ऑन इट। मतलब आप जो रेवेन्शा का जो फॉर्म फिलअप किए थे वो फॉर्म फिलअप जो किए होंगे उसको प्रिंट आउट निकालना, लास्ट में एक प्रिंट के लिए ऑप्शन आ रहा होगा, उसको प्रिंट आउट निकालना। प्रिंट आउट निकालने के बाद उस पर अपना एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को पेस्ट करके लाना, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट इन सपोर्ट ऑफ एज, ठीक है। मतलब वही हाई स्कूल एग्जामिनेशन, मतलब क्या, वही 10th का और 12th का अपना जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है वो सब कुछ लाना, ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट पर जो है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट, सेम जैसे मैंने बताया अपना 10th 12th का मार्कशीट एंड पास आउट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। देन फिफ्थ नंबर पे स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, मतलब आपका CLC चाहिए, CLC लेकर आना, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके आना। तो आप लोगों को इधर से मैं शॉर्टली बता देता हूँ, मार्कशीट चाहिए, पास आउट सर्टिफिकेट चाहिए, CLC चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। देन सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ क्लेम फॉर रिजर्वेशन वेटेज एंड डोमिसिल ऑफ इफ एनी, मतलब अगर आप SC हो, ST हो, अगर आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, देन आप लोग अगर फॉर्म पे भरे हो SC ST का, ठीक है, देन आप लोग वो SC ST का जो सर्टिफिकेट होगा आपके पास उसको लेके आना पड़ेगा, वरना एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन फॉर एक्स सर्विसमैन द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट विद डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर्स शुड साइन बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शैल बी फर्निश्ड इन द ओरिजिनल। फॉर सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल SDP कैंडिडेट शुड फर्निश ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द यूनिट गिविंग प्रूफ ऑफ करेंट सर्विस। मतलब करेंट सर्विस पे अगर है ना, फॉर सर्विसिंग डिफेंस पर्सनल, हाँ जो डिफेंस पर्सनल है ना उनका अगर मतलब आप उनका बेटा हो या फिर बेटी हो, तो आप उनसे भी कुछ, उनका जो कमांडिंग ऑफिसर होगा उनसे भी आप साइन वगैरह करके ला सकते हो, ठीक है। वो भी एक मतलब आपको एक अथॉरिटी मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट लाना, उसके बाद रिसेंट स्टाम्प साइज फोटोग्राफ्स लाना, ठीक है, कितना, 4 रिसेंट स्टाम्प साइज फोटोग्राफ्स लाना। देन लास्ट पॉइंट, ऑल द एडमिटेड स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द एंटी रैगिंग फॉर्म, ऑनलाइन एंटी रैगिंग फॉर्म अंडरटेकिंग फॉर्म एट www.antiragging.in पर जाना, फॉर्म डाउनलोड करना, उसको भरना और लेके आना इधर, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे लेके आना पॉजिटिवली एंड सबमिट द प्रूफ ऑफ द सेम, ठीक है। देन इम्पोर्टेंट, ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस है मैं इसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। द फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स शुड बी सेल्फ अटेस्टेड बाय द कैंडिडेट, ओके, समझ रहे हो। दूसरा, सबमिशन ऑफ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विथ इंटेंशन टू कमिट फ्रॉड में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन। तो मैं पहले ही बताया था कि आप लोगों का फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन भरे हो और अभी जो डॉक्यूमेंट्स दोगे उसका इन्फॉर्मेशन मैच करना चाहिए, अगर मैच नहीं होएगा
तो आपका एडमिशन उधर ही कैंसिल। और अगर आपका इंफॉर्मेशन जो आप फॉर्म पे भरे हो और आपका इंफॉर्मेशन जो आपके पास सर्टिफिकेट से वहाँ पे है, अगर मैच हो रहा है देन आपका एडमिशन पक्का। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्लीज़ कीप सब्सक्राइब माई चैनल, वॉच माई वीडियोज़, थैंक यू।